दिस टाइम ट्रेन्स बैक हियर विद अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेन्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो होने वाली है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के ऊपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा और पब्लिक अपडेट के बारे में। सो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वैसे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और हाँ, वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको अपनी हाथ की फिंगर से दबा लेना और साइड में जो घंटी है ना उसको भी बजा देना। सो गाइस, हाल ही में अभी अल्फा टेस्टर्स के लिए अपडेट आ गया है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का, मतलब अभी 1 वीक हो गया है, होने वाला है कल उसे 1 वीक हो जाएगा। और इसके बाद कुछ लोग या कुछ यूट्यूबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे हैं कि अब बेटा अपडेट आने की बारी है, लेकिन गाइस इसके बाद बेटा टेस्टर अपडेट नहीं आएगा अभी तो, क्योंकि अल्फ़ा अपडेट में ही डेवलपमेंट है और जो अल्फ़ा अपडेट अभी आया है वो सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस से आया है, मतलब सिर्फ डेवलपमेंट बताने के लिए आया है। और इसके बाद जो कि उसका फुल वर्जन मतलब 2.0 आएगा, जिसमें कि फुल फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि अभी जो आया था उसमें रेसिंग मोड, लॉन्ग ट्रेन मोड और ये सब अनलॉक नहीं था, मतलब केवल बताया गया था कि ये अभी डेवलपमेंट में है। तो आगे जो उसका अल्फ़ा 2.0 अपडेट जब आएगा तो उसमें ये सब बताया जाएगा, अनलॉक हुआ हुआ रहेगा। तो अभी तो केवल डेवलपमेंट पर्पस से रिलेटेड अल्फ़ा अपडेट आया था, तो अभी 2.0 आने वाला है गाइस, अभी नहीं आया। वो आने में अभी 1 वीक का टाइम दिया था डेवलपर्स ने कि 1 वीक के बाद वो भी आ जाएगा, तो 1 वीक तो गाइस कल हो जाएगा, अब उसके बाद देखते हैं कब आता है। और गाइस, जब तक 2.0 अल्फ़ा अपडेट नहीं आएगा तब तक बीटा टेस्टर तो आने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब तक अल्फ़ा ही फुल वर्जन वाला नहीं आएगा तो बीटा कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब गाइस अल्फ़ा के लिए अभी फुल फीचर नहीं आए हैं तो कैसे बीटा के लिए आ जाएंगे। सो गाइस, मतलब अभी आप लोगों को और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी अल्फ़ा 2.0 भी एक्सपेक्टेड ही है, दिस वीकेंड का उन्होंने टाइम दिया था, पर ये भी एक्सपेक्टेड ही है, उसकी डेट भी दिस वीकेंड बताई जा रही है, पर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये कभी भी आ सकता है 1 हफ्ते के बाद, जैसे कल 1 हफ्ता हो जाएगा 1 वीक उसके बाद गाइस। और गाइस, बीटा टेस्टर अपडेट जो कि एक्सपेक्टेड उसकी रिलीजिंग डेट है 15 जनवरी उसकी रिलीजिंग डेट बताई जा रही है गाइस, तो पर ये भी गाइस अभी एक्सपेक्टेड है, मतलब अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब अपडेट कभी भी, मतलब जैसे ही अल्फ़ा 2.0 आता है उसके बाद से बीटा के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब रोल आउट होने में हो जाता है और उसके 1 से 2 दिन में बीटा के लिए भी आ जाता है। पर गाइस ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2.0 जब तक नहीं आता तब तक बीटा के लिए हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेवलपर्स के मुताबिक 15 जनवरी दी गई है डेट एक्सपेक्टेड बीटा अपडेट के लिए। और गाइस पब्लिक के लिए भी अब कुछ बात कर ही लेते, तो गाइस अभी तो पब्लिक जितने भी हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पब्लिक के लिए कोई डेट ही नहीं रिलीज़ हुई है और कुछ नहीं बताया है, मतलब जब तक 2.0 नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं है, मतलब बेटा अभी तो पहले अल्फ़ा 2.0 आएगा, फिर बेटा आएगा और फिर पब्लिक के लिए आएगा, तो पब्लिक को तो अभी बहुत टाइम मतलब लगेगा गाइस, मतलब अगर जैसे ही बेटा आता है, अल्फ़ा आया, उसके 2-3 दिन में बीटा भी आ जाएगा, रोल आउट 100% हो जाएगा, देन फिर 3 से 4 मतलब 3 to 4 days नेक्स्ट के अंदर पब्लिक के लिए भी अपडेट आ जाता है, पर अभी कुछ डेट नहीं है इसके लिए गाइस, अभी कुछ भी नहीं बता सकते। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।